बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राम विचार नेताम और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी राम विचार नेताम ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ 30 अक्टूबर को दूसरा नामांकन दाखिल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा, प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में नामांकन भरा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान रामानुजगंज और सामरी विधानसभा के विधायक नदारद दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज के मुहूर्त के अनुसार हमने एक सेट नामांकन आज जो है प्रस्तुत किया है। बाकी हम लोग का जो पूरी तैयारी के साथ हम 30 तारीख को नामांकन जो दूसरा सेट है वो जमा करेंगे। इसका पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हम आम लोगों के साथ जो है आएंगे, लोगों के साथ थोड़ा उनके एक कार्यक्रम के द्वारा अधिकृत कोई बाहर से भी हमारा अतिथि आएंगे। अभी अतिथि का नाम तय नहीं हो पाया है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि माननीय योगी जी आ जाएं या फिर माननीय अमित शाह जी या और कोई आए तो उनके उपस्थिति भी हो जाएगी और हमारे कार्यकर्ताओं का क्षेत्रवासियों को भी थोड़ा एक हौसला अफजाई होगा। भारत